चलो यहाँ ज्वाइन करो, और इसमें बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑडियो वीडियो क्लियर है, जल्दी से बताएं मुझे एंड फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो गया ना ज्वाइन, नया लिंक मिल गया सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बताते बताते गर्मी लगने लगी मुझे। हाय वंदना, हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज रोबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं मैंडिंग वॉल को। मैंडिंग वॉल को लिखा है रोबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये कहाँ पर है, दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये आया है, मैंडिंग वॉल इज अ पोएम बाय अमेरिकन पोएट है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पब्लिश कब हुआ, 1910 के करीब इन्होंने लिखा था, 1914 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। 1914 में इसको पब्लिश कराया गया, और कहाँ पर पब्लिश हुआ था, तो इनका जो कलेक्शन था, इन्होंने बहुत सारे कलेक्शन लिखे हैं ना, तो इनका कलेक्शन है कौन सा, सेकेंड बुक जो है इनकी, तो सेकेंड कलेक्शन है कौन सा, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। और फर्स्ट वाला कौन सा है, कौन बताएगा मुझे, सबसे पहला पोएटिक कलेक्शन कौन सा है, और दूसरा क्वेश्चन बताओ कि ये जो इंग्लैंड में गए थे, ठीक है, तो कितने टाइम रहे थे, तो बताओ जल्दी से, 1900 से लेकर 1900 कब से कब तक रहे थे, कौन बताएगा मुझे सबसे पहले। ओके, क्योंकि फिर वापस आ गए थे युद्ध की वजह से, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्थ ऑफ बोस्टन। हाँ यस मैम, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है सब कुछ, तो ओके तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो है इस वाले के अंदर आया है, ये 1914 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नॉर्थ ऑफ बोस्टन कौन सा है, सेकेंड बुक ऑफ कलेक्शन है, ठीक है, पोएम का कलेक्शन है इसके अंदर, जिसके अंदर मैंडिंग वॉल है। द पोयम इज सेट इन रूरल न्यू इंग्लैंड। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी, न्यू इंग्लैंड, ये वाला इंग्लैंड नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ अ बॉयज बिल, वेरी गुड, 5469 जो भी तुम्हारा नाम है, नाम तो तुमने लिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो अ बॉयज बिल इनका फर्स्ट कलेक्शन है। और पहली पोयम कौन सी है, बताओ जल्दी से, सबसे पहली जो इनकी पोएट्री है, तो रूरल, इसका आंसर भी करो फटाफट से, किसी को नहीं पता। हाँ ये तो 1913 है, 1912 से लगभग ये 1915 तक यहाँ पर रहे थे, ठीक है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ये रूलर न्यू इंग्लैंड, मैंने आपको बताया था ना ये न्यू इंग्लैंड में गए थे, और ये कौन सा एरिया था जो अमेरिका का इधर का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे इसको, नहीं नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, ईस्टर्न एरिया है स्पेशली, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको एक मैप भी दिखाया था, तो ये यहाँ रहे थे, ये एक विलेज एरिया है, तो इसमें इन्होंने फार्मिंग की थी, तो जब इन्होंने फार्मिंग की है तो उसी एक्सपीरियंस से यहाँ वहां पर ये क्या क्या करते थे, तो कुछ मैसेज आपको देने की कोशिश की है, ठीक है, तो इन्होंने कुछ मैसेज देने की कोशिश की है। वेयर फोर्स जो है ये लिव्ड एट अ टाइम, एक टाइम पे वहां पर रहे थे, एंड टेक्स इट्स इम्पेटुअस फ्रॉम द रिदम एंड रिचुअल्स ऑफ लाइफ देयर, तो वहां की लाइफ, उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है इस चीज के ऊपर जो उन्होंने आपके साथ में शेयर किया है। बटरफ्लाई है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे आंसर यहाँ पर 5469 ही करेंगे, बाकी क्या करेंगे। द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ द स्पीकर एंड अ नेबर नीड टू रिबिल्ड अ स्टोन वॉल। मेंडिंग नाम है ना, मेंडिंग मतलब होता है रिपेयर समथिंग, ठीक है, रिपेयर, और हिंदी में बोले तो मरम्मत, मरम्मत किसकी, वॉल की, ठीक है, तो मेंडिंग वॉल। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि स्पीकर एंड अ नेबर, जो स्पीकर है और जो इनका पड़ोसी है, नेबर है, मीट टू रिबिल्ड, ये मिलते हैं यहाँ पर स्प्रिंग टाइम में अ स्टोन वॉल, तो वो अपनी जो स्टोन वॉल बीच में है, जो बाउंड्री तय करती है कि ये उनका उनका फार्मिंग एरिया है, ये इनका फार्म है, तो उसके बीच में एक वॉल है, तो वॉल क्या होती है, सर्दी के टाइम में टूट जाती है, उसके अंदर से पत्थर जो है क्या होते हैं, वहां से मतलब कि ऊपर से गिरने लगते हैं, तो उनको ये रिपेयर करते हैं ताकि उनकी जो बाउंड्री है वो बनी रहे, कि ये उनका खेत है, ये इनका खेत है, तो इसी बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। थीम्स दिखाई गई है इसके अंदर, बॉर्डर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्क दिखाई गई है यहाँ पर, प्राइवेसी, और साथ में इग्नोरेंस भी कहेंगे, किसी चीज को लेकर चलते रहना विदाउट नोइंग एनी रीजन, है ना, तो उस चीज को दिखाया गया, जैसे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, दो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, एंड इसमें यहाँ पर एक वॉल है, इसको ये रिपेयर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनको ये क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो गिर गए हैं, ये देखो नीचे पड़े हैं ना यहाँ पर, ये पड़े हुए यहाँ पर, ठीक है, तो इन्हें उठा उठा के ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हें उठा उठा के वापस से यहाँ पर लगा रहे हैं और अपनी वॉल को सही कर रहे हैं, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे पहले, और फिर टेक्स्ट के बाद में थोड़ी समरी देखेंगे, एंड फिर फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, स्किल मतलब लिटरेरी डिवाइस वगैरह जो है वो देख लेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, मेंडिंग वॉल में आप देखिए,
यहां से स्टार्ट करते हैं. लिखा है कि समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल. तो समथिंग देयर, कुछ ना कुछ तो प्रकृति में ऐसा है, कुछ ना कुछ तो आसपास ऐसा है जिसको क्या पसंद नहीं है, वॉल पसंद नहीं है, दीवारें पसंद नहीं है आपसे आपस में कि हम दीवारें लगाएं, बाउंड्री सेट करें. कुछ तो ऐसा है दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड, जो कि भेजता है किसको, द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट एंड स्पिल्स द अपर बाउल्डर्स इन द सन. ठीक है, तो फ्रोजन ग्राउंड जब क्या होती है कि सर्दी के टाइम में, विंटर टाइम में बहुत सारी बर्फ जम जाती है पत्थरों के ऊपर भी, जो भी चीजें हैं उन सब चीजों के ऊपर पत्थर जम जाती है और उसको एक्सपेंड करती है. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब जैसे जैसे धूप पड़ती है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, वॉल जो होती है वो ब्रेक होने लगती है. ओके, मैंने इधर हिंदी में भी लिख दिया है, आपके पास जब नोट्स आएंगे तो उसमें हम देखें ना, दीवार के ऊपरी पत्थर सूरज की गर्मी से टूटकर गिर जाते हैं. ऐसे ही होता है ना, क्योंकि उनमें जो खिंचाव होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है, बर्फ की वजह से. फिर वो क्या होता है कि जब बर्फ मेल्ट हो जाती है सन की वजह से, तो उनके जो गैप्स होते हैं, उनका जो बैलेंसिंग होता है वो मूव करने लगता है, वो खराब हो जाता है एंड वो गिर जाते हैं, जिससे उसमें वॉल के अंदर बड़े बड़े हॉल हो जाते हैं. तो उन्होंने बोला कि जो कुछ तो ऐसा है जो स्पेशली जान बूझ कर क्या करता है कि इन फ्रोजन ग्राउंड को क्या करता है, स्वेल करता है अंडर इट, इनके बीच में जो बर्फ जमी हुई है तो वो ऐसे स्वेल करती है, ठीक है, एंड वो फिर पत्थरों के बीच में गैप बनाने की कोशिश करती है, दीवार के बीच में गैप बनाने की कोशिश करती है. एंड स्पिल्स, स्पिल्स मतलब यहाँ पर फॉल डाउन, और गिरा देती है वो किसको, द अपर बाउल्डर्स. अपर बाउल्डर्स यानी कि जो वॉल है, ठीक है, जो ये पत्थरों की वॉल बनी हुई है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, तो ये ऊपर का जो एरिया है ये पत्थर गिरने लगते हैं, ठीक है, ऊपर वाले कमजोर हो जाते हैं तो ये गिरने लगते हैं. इन द सन, सन मतलब कि जब सनलाइट उन पर पड़ती है, स्पेशली खासकर आप कह सकते हैं कि ये डेली चलता है रूटीन, सूरज निकलेगा एक टाइम पर, ज्यादा हैवी होगा, थोड़ी बर्फ मेल्ट होगी, फिर से बर्फ जमेगी, तो गैप को बड़ा कर देती है. एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास एब्रेस्ट. और ये गैप्स कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं, ये पत्थर गिर गिर के पूरी की कभी इतनी वॉल बीच में, इतनी जगह, इतने गैप्स हो जाते हैं कि इसमें क्या है कि कोई यहां से, कोई नहीं बल्कि दो, टू कैन पास अब्रेस्ट, यानी कि दो मैन, दो पीपल इजीली इसके बीच में पास हो सकते हैं, निकल सकते हैं, इतने बड़े बड़े गैप बन जाते हैं यहाँ पर. द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग. अभी यहां तक देखते हैं, एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो हुआ नेचर का काम, यानी कि नेचुरल वे में जो प्रकृति है वो किस तरह से चाहती है बाउंड्रीज को ब्रेक करना, और वो चाहती है कि सभी ह्यूमंस वगैरह एक दूसरे के यहाँ पर आ जा सके. तो ये तो हो गया नेचर का काम. दूसरी तरफ ये बोलते हैं, कहते हैं द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग. जो हंटर्स हैं, ठीक है, शिकारी जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इन स्टोन्स को हटाते हैं. हाँ, ये बात अलग है कि वो अलग चीज है, बट ये काम जो है नेचर भी करती है. एंड द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग, यानी कि हंटर्स भी क्या करते हैं, जब हम आते हैं इसको रिपेयर करने के लिए, तो हंटर्स का काम अलग से दिख जाता है. कैसे दिख जाता है, मतलब कि ह्यूमन फोर्स की बात कर रहे हैं अभी. ये नेचर नेचुरल फोर्स है और ये क्या है, ये ह्यूमन फोर्स है. आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, यानी कि जो हंटर्स का है और इनका जो वर्क है, तो फिर जब मैं आता हूँ, मैं कब आता हूँ, स्प्रिंग टाइम में हम फिर से मिलते हैं, फिर से आते हैं एंड हम इसका क्या करते हैं, हम इसको मेंटेन करते हैं, यानी कि हम इसको रिपेयर करते हैं. जब Where they have left not one stone on a stone, जहां पर क्या है कि वो कोई स्टोन जो है, एक स्टोन के ऊपर स्टोन भी नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, वो डिस्टर्ब द होल वॉल, वो पूरी वॉल को ही डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि वो जगह जगह से पत्थर निकाल देते हैं. अब क्यों निकालते हैं भाई, हंटर्स का क्या काम है, वो क्यों निकालेंगे, तो उसके पीछे एक रीजन है. क्योंकि आप देखो, जहां भी दरारें होती हैं, तो जो छोटे छोटे ये होते हैं, जितने भी जानवर वगैरह होते हैं, जैसे रैबिट वगैरह है, छिपकली है, ये सब होती है, तो इसमें अपनी जान बचाने के लिए, गर्माहट पाने के लिए वो छिप जाते हैं. अब वो छिप जाते हैं तो क्या होता है, ये हंटर्स जो होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स. येल्पिंग डॉग्स का मतलब है उनके भौंकते हुए कुत्तों को चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए, वो इन होल को, हॉल में से जो बाउल्डर्स हैं वो हटा देते हैं पत्थर को, एंड वहां पर से जो छिपे हुए रैबिट हैं उनको सर्व करते हैं, किसको, अपने येल्पिंग डॉग्स को, ताकि वो चुप हो सके. तो ये हंटर्स का भी काम हो सकता है, हंटर का भी काम हो सकता है, ठीक है, दोनों ही तरह के हैं. कुछ पत्थर हम जब लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सा हंटर ने किया है और कौन सा प्रकृति ने खुद ने सेल्फ किया है. तो दो फोर्सेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये अपने ही पर्सनल यूज के लिए करते हैं, और प्रकृति जो है इसको देख के ऐसा लगता है कि शायद वो बाउंड्रीज चाहती ही नहीं है, इसलिए बार बार उनको ब्रेक करती है, जो कि ह्यूमन बनाते हैं. ओके, द गैप्स, द गैप्स
यानी गैप्स कौन से, जो इन दीवारों के बीच जो है ये गैप्स बन गए हैं, जो उन्होंने बताया कि कैन पास एब्रेस्ट. आई मीन नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड. आई मीन देखा जाए तो उस टाइम में विंटर सीजन में यहाँ कोई होता नहीं है, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ क्या है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने इन गैप्स को देखा कि किस तरह से ये गैप्स बने हैं, ठीक है. ना ही उनको बनते देखा है, ना ही उनको बनते हुए सुना है. इन्होंने हर्ड भी लिखा है, ठीक है, एंड मेड यहाँ पर लिखा है, स्पेशली सीन भी लिखा है, एंड यहाँ पर इन्होंने हर्ड भी यूज किया है, ठीक है. तो किसी ने नोबडी सीन दिस एक्ट, है ना. तो ये एक्ट इन्होंने देखा ही नहीं है किस तरह से ये गैप्स जो हैं ये होल बनते हैं. बट जब भी हम आते हैं समर टाइम में तो फिर हम इनको रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें ये पत्थर जो है निकले हुए मिलते हैं, बहुत सारे गैप्स हो जाते हैं, तो हम अपनी बाउंड्रीज को फिर से रिपेयर कर लेते हैं. ओके चलो नेक्स्ट. बट स्प्रिंग जब ये आते हैं तो क्या करते हैं, मेंडिंग टाइम यानी कि इनको रिपेयर करने का टाइम आता है, इन गैप्स को रिपेयर करने का टाइम आता है, वी फाइंड देम देयर. टाइम इसलिए आता है क्योंकि इस टाइम पर इन्हें वर्क करना है, तो सभी आके अपनी दीवारें ठीक करते हैं, सेट करते हैं. वी फाइंड देम देयर. अब पूछा जाए ये देम जो है ये क्या है, क्या मिला इन्हें, वी फाइंड देम. देम किस चीज को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, तो गैप्स को. तब इन्हें क्या मिलते हैं, ये गैप्स इनको यहाँ पर दिखाई देते हैं. आई लेट माई नेबर्स नो बियॉन्ड द हिल. नो बियॉन्ड नो मतलब है यहाँ पर टेल. तो क्या करते हैं कि मैं इन चीजों के बारे में फिर किससे, अपना जो नेबर है, जो मेरा जिससे मेरी दीवार जो है साझा है, तो वो जो नेबर है जो कि बियॉन्ड द हिल रहता है, हिल के ऊपर रहता है, तो फिर वो जब वो यहाँ पर आता है तो मैं उसको ये चीजें बताता हूँ या अवेयर कराता हूँ. एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन. और हम उस दिन क्या करते हैं, ऑन अ डे वॉक करते हैं. वी नीड टू वॉक द लाइन. वॉक द लाइन का मतलब ये है सर्वे करना. वो एक तरह से सर्वे करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि कहाँ कहाँ से बिखरी हुई है, कैसे है, पहले आके एग्जामिन करते हैं. तो उन्होंने एग्जामिन करने को बोला है, सर्वे करने को बोला है. ऑन अ डे वी नीड टू वॉक द लाइन. ठीक है, लाइन वॉक द लाइन यानी कि वो स्पेशली जो वो लाइन है उन दोनों के बीच में, तो वो अपनी उधर बाउंड्री के उधर अपने फार्म में और मैं अपने फार्म में, हम दोनों यहाँ पर सर्वे करते हैं. एंड मैं अपनी तरफ की दीवार को रिपेयर करता हूँ और वो अपनी तरफ की दीवार को रिपेयर करते हैं. एंड सेट द वॉल. और अपने घर की दीवारें थोड़ा सा दिमाग से निकाल देना, ये स्टोन वॉल की बात कर रहे हैं, क्योंकि खेतों में तो दीवारें ऐसे घर की दीवारें नहीं लगाई जाएंगी ना. वहां पर तो आप देखेंगे जो खासकर हिल एरियाज होते हैं वहां पर स्टोन्स ही लगाए जाते हैं. एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन. और हम फिर से उस वॉल को, ताकि क्या कर सकते हैं कि दोबारा से उस वॉल को अपने बीच में सेट कर देते हैं, यानी कि ये मेरा फार्म है, ये तुम्हारा फार्म है, हम उसको फिर से रिपेयर करके और वो बाउंड्री को सेट कर देते हैं. वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो. तो हम क्या करते हैं कि वी कीप द वॉल बिटवीन एज अस वी गो, यानी कि हम दोनों जैसे जैसे चलते चलाते हैं, वो अपनी तरफ की साइड की, यानी कि जो वॉल है, ठीक है, इसमें वो उधर की साइड और मैं इधर की साइड, हम इसको सही करते चले जाते हैं, सेट कर देते हैं. आगे वो बोलते हैं टू ईच द बाउल्डर्स. बाउल्डर्स मतलब कि स्टोन दैट हैव फॉलन टू ईच, जो कि क्या है कि एक दूसरे के ऊपर गिरा हुआ है. एंड सम आर लॉब्स एंड सम सो नियरली बॉल्स. अब ये यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है. अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मेटाफर का यूज कैसे है. एंड सम आर लॉब्स. लॉब्स का मतलब है यहाँ पर, वैसे तो लॉब्स भी स्टोन है, ठीक है, और बॉल्स भी स्टोन ही है. अब मेटाफर क्यों है, क्योंकि लॉब्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, तो कुछ स्टोन तो क्या है, कुछ ऐसे हो गए हैं, फ्लैट से हो गए हैं, मतलब इस तरह से, और कुछ कैसे हैं, कुछ बिल्कुल ही गोल गोल से हैं. अब इसको क्या होता है, ये बताते हैं कि कुछ तो जो पड़े हुए हैं वो क्या है, वो कुछ तो लॉब्स जैसे हैं, टुकड़े जैसे हो रखे हैं, ब्रेड का टुकड़ा होता है जैसे, कुछ है बॉल जैसे, कुछ गोल गोल है. अब इनको सेट करना बड़ा मुश्किल काम है आपस में, तो ये मेटाफर का यूज हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे. तो बॉल राउंड होती है, लॉब्स फ्लैट होते हैं. अब इन दोनों को बैलेंस करना बड़ा ही मुश्किल है. वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस. स्पेल का मतलब है यहाँ पर मंत्र जाप करना, कुछ भी एनचेंटिंग करना, जैसे होता नहीं है कुछ स्पेशल काम करने के लिए हम क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं, है ना, कि या फिर हम सोचते हैं भगवान प्रेयर करते हैं कि ऐसा, मतलब उसके लिए कि हाँ, जब हमें डर भी लगता है ना, जय बजरंग बली ऐसे हम बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि इसके लिए क्या है, वी हैव टू, मतलब हमें use a spell to make them balance, कि मतलब रुक जा, गिरना मत, ठीक है, हे भगवान गिरना मत. तो हमें ये spell, ये मंत्र जो है फूकना पड़ता है वहां पर, उसका हम प्रेयर करते हैं. और हम क्या कहते हैं, मतलब ये बताते हैं खुद में, वो कहते हैं, देखो ये लाइन ध्यान रखना, बाई चांस पूछ ली जाए, स्टे वेयर यू आर अंटिल आर बैक्स आर टर्न. इसका मतलब ये है कि वो पत्थरों से कह रहे हैं, किसको, स्टोन को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टे वेयर यू आर, जहां हो तुम हो ना, प्लीज गिरना मत,
रुक जाओ, गिर मत जाना, ओके, अनटिल, जब तक क्या है कि हम जो है यहां से चले ना जाए, मूव ना कर दे, अनटिल वी आर गॉन. तो डोंट मूव अनटिल वी आर गॉन, यानी कि वरना फिर से अगर तुम गिर जाओगे, बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का शेप अलग अलग है, कोई फ्लैट है, ठीक है, कोई राउंड है, तो उन पत्थरों को आपस में बैलेंस करना ही एक टिपिकल टास्क है. तो क्या होगा कि फिर यहाँ पर ये फिर से गिर जाएंगे, और फिर दोबारा से उनको उठाना कितना मुश्किल काम है, फिर से सेट करना और ज्यादा टाइम टेकिंग है. तो इसलिए तो वो प्रेयर करते हैं, वो स्पेल करते हैं कि स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड, ओके. तो वो स्टोन को एड्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज डोंट मूव अंटिल वी आर गोन. फिर आगे कहते हैं कि वी वर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम. तो क्या हो जाती है, हमें उन्हें ठीक करते करते हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो कट भी जाती हैं, रफ हो जाती हैं, ठीक है, उनको उठा के रखना छिल जाती हैं, वो हर्ट हो जाती हैं उनकी फिंगर्स, वो ये कहना चाहते हैं. आगे क्या कहते हैं, आगे बोलते हैं, ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम्स. फिर वो कहते हैं कि फिर भी ये कैसा है, ये इस तरह का है जैसे कोई आउटडोर गेम्स होता है ना, इतना टिपिकल टास्क तो नहीं है, बट ये एक आउटडोर गेम जैसा है, जैसे हम बाहर खेलते हैं, खेलने जाते हैं, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हम एक गेमिंग कर रहे हैं. वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर. तो वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ दो ही प्लेयर हैं, वन ऑन अ साइड, यानी कि वॉल है, एक साइड मैं हूँ, एक साइड मेरे नेबर है, और दैट्स इट, दैट्स इट, इट कम्स टू लिटिल मोर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग मोर देन, यानी कि दो ही प्लेयर हैं इसमें, एक आउटडोर गेम जैसा है, जैसे कि हम नेट खेल रहे हो, नेट पे हम बैडमिंटन खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो ना, तो हम क्या है कि एक उधर है एक इधर है, एंड उस तरह से हम एक आउटडोर गेम जो है खेल रहे हैं. देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल. बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस आउटडोर गेम के लिए भी ना हमें कोई वॉल की जरूरत नहीं है. ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड. तो वो कहते हैं यहाँ पर आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, तो आई हैव नहीं बोला इन्होंने, आई एम बोला है इन्होंने, कहा कि ही इज ऑल पाइन. ऑल पाइन का मतलब ये ऐसे लिखते हैं, यही तरीका होता है लिखने का. तो ही इज ऑल पाइन, पाइन का मतलब है कि उसके जो एरिया है, उसका जो फार्म है वो किसका है, वहां पर पाइन ट्री है. मेरे फार्मिंग में, मेरे में फार्म में क्या है, मेरे में एप्पल ऑर्चर्ड है, यानी कि मेरा जो ऑर्चर्ड है, मेरा जो बगीचा है वो एप्पल का है. तो हम दोनों का बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है, तुम्हारे में पाइन रहते हैं, मेरे में एप्पल्स रहते हैं. यहाँ पर माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस. अब देखो ये लाइन यहाँ पर खत्म ना करके, ठीक है, इसके साथ ना करके नेक्स्ट इसमें शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था एंजेमेंट. तो ये एंजेमेंट यूज किया गया यहाँ पर. माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स. तो ये पाइन ट्री होता है ना, उसपे पाइन ऐसे ऐसे लगते हैं, तो इसके अंदर बीज बीज से निकलते हैं, तो वो हंसी मजाक में नोटी हो जाते हैं और कहते हैं, वैसे भी ना मेरे जो एप्पल्स हैं, मतलब मुझे लगता है कि हमें वॉल्स की जरूरत नहीं है, और मेरे जो एप्पल हैं वो कभी भी अक्रॉस नहीं जाएंगे, इस वॉल को क्रॉस करके नहीं जाने वाले हैं, तुम्हारे पाइन जो ट्री हैं उनकी कॉर्न्स खाने के लिए, है ना, उसके जो अंडर क्या है वो बीज है ना, उनको खाने के लिए कभी नहीं जाएंगे. फिर आगे कहते हैं आई टेल हिम, मतलब कि उन्होंने उससे कहा, किससे, अपने नेबर से. उसने सिर्फ कितना कहा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, येलो कर रखी है मैंने, हाईलाइट कर रखा है, यही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट में क्वेश्चन अमेंडिंग वॉल से आता है, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ ऑफ बोस्टन से लिया गया, या आप बॉयजविल से है, कहां से है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे. तो नेबर क्या जवाब देता है, नेबर कहता है ही ओनली सेज, वो सिर्फ इतना कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी कि जो गुड फेंसेस होती हैं, यानी कि अच्छी दीवार, अच्छी दीवार कैसी, जब उसको मेंड कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे, तो वो क्या करती हैं, बनाती हैं अच्छे रिलेशंस, गुड नेबर्स, अच्छे जो नेबर्स होते हैं पड़ोसी, यानी कि उनकी पड़ोसी जो नेस है उसको और ज्यादा क्या, उसको अच्छा करते हैं, उनके रिलेशंस अच्छे रहते हैं, अगर बीच में वॉल होती है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, उनके नेबर की प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, उनको सेफ्टी देते हैं, ठीक है, एंड लड़ाई के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, कंफ्लिक्ट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. तो ये उन्हें, उन्होंने क्या किया, अपने उसमें रखा, उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया, जो नेबर थे उन्होंने कहा, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. होप सो कि ये लाइन कभी भूलोगे नहीं आप, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना कहाँ से है, मेंडिंग वॉल से है, और कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ये राइटर नहीं कहते हैं, राइटर के नेबर, पोएट के नेबर कहते हैं, ठीक है. स्प्रिंग इज द मिसचीफ इन मी. मिसचीफ मतलब कि थोड़ा सा नोटी हो जाते हैं, नोटी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि मेरे एप्पल नहीं, वहां नहीं जाएंगे खाने के लिए. एंड यहाँ पर जो स्प्रिंग टाइम है, यानी कि अभी स्प्रिंग में तो इसको रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ये कहते हैं कि मिसचीफ इन मी, थोड़ा सा मुझे शरारत आ जाती है, एंड आई वॉन्डर, और मैं सोचता हूं, मतलब इस बारे में, कि इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड,
नोशन, यानी कि एक थॉट, काश मैं इनके माइंड में भी, जैसे थॉट मेरे माइंड में आ रही है ना, कि काश ये एक थॉट मैं इनके माइंड में भी डाल सकूं। फिर वो कहते हैं आगे क्या थॉट है, व्हाई डू दे मेक गुड नेबर्स, तो इजंट इट, वो कहते हैं कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब अच्छी जो दीवारें होंगी वो गुड नेबर्स बनाती हैं, जबकि हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हमें नेबर हमें दीवार बनानी पड़े। जैसे कि वेयर देयर आर काउस, है ना, तो वहां जरूरत होती है ना, कहाँ पर हमें जरूरत होती है, देखो कहते हैं व्हाई डू दे मेक गुड नेबर्स इजंट इट, तो कहते हैं वेयर देयर आर काउस, जहां पर काउस होती हैं, वही गाय वाय हैं, बैल हैं, ये सब हैं, तो वहां हमें जरूरत पड़ती है कि चलो ठीक है वो हमारे फल खा जाएंगी या ये सब चीजें होते हैं। बट वो कहते हैं कि बट हेयर देयर आर नो काउस, बट हमारे पास ना तो उसके पास काउ है ना मेरे पास काउ है, तो फिर यहाँ नुकसान पहुंचाने की तो बात ही नहीं होती, तो हमें इसलिए जरूरत ही नहीं है। फिर आगे कहते हैं बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो, ये वॉल बिल्ड करने से पहले मैं जानना चाहूंगा जरूर कि व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, कि किस चीज को मुझे वॉलिंग इन वॉलिंग आउट, किस चीज को मुझे वॉल के अंदर रखना है, यानी कि किस चीज को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, है ना, कौन कौन है जो जिनकी प्रोटेक्शन मैं अपने अकॉर्डिंग उनको करना चाहूंगा, और कौन लोग मेरे लिए नेसेसरी नहीं है जिनको मैं प्रोटेक्ट नहीं करना चाहूंगा, वॉलिंग आउट, किसको मैं बाहर रखना चाहूंगा, किसको मैं, हो सकता है जैसे नेबर को बाहर रख दिया, है ना, तो नेबर को एक तरह से देखा जाए तो हमने क्या किया, प्राइवेसी मेंटेन कर दी उसको, उसकी प्रोटेक्शन का हमसे हमारे ऐसे लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है अपने प्रोटेक्शन से, ठीक है, तो हमने एक वॉल जो है वो क्रिएट कर दी स्पेशली। और ये उससे पहले मैं डिसाइड करना चाहूंगा कि क्या हमें किस चीज के लिए, हमें जो है कहते हैं ना हमारे लिए हमारे अंदर पॉजिटिवनेस है, या किस चीज को हम अपना मानते हैं, किस चीज को हम पराया मानते हैं, तो पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा सारा, फिर मुझे वो वॉल अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि क्या चीज मेरे उस वॉल के अंदर रहेंगी और क्या चीज बाहर रहने वाली है। एंड टू हुम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, एंड टू हुम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, एंड ये भी मुझे पता करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, मैं किसी को हर्ट ना कर दूं, ऑफेंस ना कर दूं, किसी को बुरा ना लग जाए इस बात से, है ना, तो जैसे कि कभी कभी घर जो होते हैं, जब वो डिवाइड होते हैं, घर घर में जब वो किसी का बंटवारा होता है, तो जब वो वॉल खड़ी होती है वहां पर, तो आपने देखा होगा ना सबको ये चीज पसंद नहीं आती, कुछ लोग जो होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे घर के बीच में दीवार खड़ी हो गई, बड़ा मजा आता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो रोते भी हैं एंड उनको हर रोज तकलीफ होती है उस दीवार को देख देख के कि का ये आज हमारे बीच में दीवार है, तो दैट मींस ये कि उनके जो हमारे खुद के रिलेटिव्स थे, खुद के जो ब्लड रिलेशंस थे, क्या हम उनसे उनको प्रोटेक्ट करना या उनके साथ शेयरिंग करना, ठीक है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्या हम इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए कि हम दो या तीन लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ चीजों को, अपनी खुशियों को शेयर करना चाहते हैं, इतनी जेलसी वगैरह ये सब चीज आ जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो वो ये डिसाइड करना पहले पड़ेगा ना पहले, तो लोग क्या करते हैं आप देख ही रहे हैं कि क्या करते हैं, ठीक है, एंड ऑफेंस, किसी को कहीं बुरा तो नहीं लग रहा, क्या खासकर जिन्होंने एक सजोया था अपना परिवार, उनको बहुत फील होता है, और जो लोग बचपन में साथ खेले थे भाइयों वगैरह को, उनको कहीं ना कहीं वो चीज हर्ट करती है, बट कहीं ना कहीं किस वजह से चीजें हो जाती हैं, अब क्या ही समझें, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, तो समथिंग कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वॉल पसंद नहीं होगी, ठीक है, ये जो वॉल बनाई गई, ये जो गैप्स बनाए गए हैं, ये चीज शायद जो है वो पसंद ना आए किसी को, वो हर्ट करे, That wants it down, जो कि क्या चाहते हैं, देखो फिर से enjambment यूज किया है, नेक्स्ट लाइन में जा रहा है यहाँ पर, That wants it down, वैसे यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ है, ओके, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, तो दैट वॉन्ट्स इट डाउन, जो कि चाहते हो कि दीवार रहे ना, ये दीवारें, ये जो बीच में बाउंड्रीज हैं, ये कभी आए ही नहीं। आई कुड से एल्स टू हिम, तो मैं कहूंगा, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, मैं ये उसको ये बताना चाहूंगा जो पड़ोसी है, एल्फ्स टू हिम, एल्फ्स मतलब कि टाइनी मैजिकल क्रिएचर, काफी बार आपने एल्फ सुना है, जो कि मैजिकल एक जादूगर होता है, ठीक है, और जो कि क्या होता है, छोटा सा एक जादूगर होता है, सम टाइम हमारी हेल्प करता है, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो एल्फ है ना, शायद उनको पसंद नहीं है कि बाउंड्रीज हो हम ह्यूमंस के बीच में, तो वो इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, बट इट्स नॉट एल्फ एग्जैक्टली, बट हाँ मुझे पता ही एग्जैक्टली ना एल्फ नहीं करते हैं, ओके, एंड आई वुड रेदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, और मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि मेरे कहने की बजाय मैं बार बार उसको उनको कहूँ कि भाई हमारे बीच वॉल्स नहीं होने चाहिए, या फिर जो है इस तरह की चीजों से समझाऊं, तो फिर हो सकता है उसको समझ ही नहीं आएंगी ये चीजें, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अजम्पशन जो हो, ये जो ये चीज समझे वो खुद से समझे, वो चीज एक दिन उसको खुद समझ में आए, ये क्वेश्चन मैं रेज कर पाऊं उसके माइंड में जो आज मेरे माइंड में आ रहा है। आई सी हिम देयर
जैसे पहले के लोग होते थे ना, पहले को आप देखो कि वो क्या करते थे, वैसे बाउंड्रीज तो सबकी खींचती थी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक इतनी प्राइवेसी नहीं रखी जाती थी जैसे आजकल। बिल्कुल एक रूम में प्राइवेसी हो गई ना, और वो ज्यादातर डिप्रेशन का कारण भी यही है, ठीक है, कि हमने बहुत ज्यादा प्राइवेट कर लिया है अपनी लाइफ को, और ओपन कर दिया है उन लोगों के सामने जिनको हम जानते भी नहीं है, ठीक है, उनके सामने हमारी पूरी लाइफ हमने खोल के रख दी है सोशल मीडिया के थ्रू, और जो लोग हमारे बिल्कुल क्लोज हैं, पास हैं, उनसे हम इतना सा भी शेयर नहीं करना चाहते हैं अपनी हैप्पीनेस को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये एक अलग ही तरह का चेंज अब तो बिल्कुल ही देखने को आपको मिल गया है, ये तो बहुत पुराने टाइम में लिख रहे हैं। तो फिर ये कहते हैं यहाँ पर कि मैं चाहूंगा कि वो खुद ही सेल्फ कॉन्शियस हो इस चीज को लेकर, खुद सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर आए। आई सी हिम देयर, हिम मतलब कि उनके नेबर को वो देखते हैं वहां पर, कहते हैं कि ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रेस्ट फेमली बाय द टॉप इन ईच हैंड। तो फिर यहाँ पर एक सिमली देते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं, एपिथेट लेकर आते हैं अपने नेबर के लिए, बोलते हैं कि जब मैं देखता हूँ उसको कि वो अपने हाथों में, तो वो टॉप से पत्थर को पकड़ के, टॉप से मतलब ऊपर से जहां से पकड़ा जा सकता है, तो उसको पकड़ के वो लेके आ रहा होता है ना, ठीक है, इस तरह से उठा के, तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है फेमली यानी कि बहुत दृढ़ता से, इन ईच हैंड अपने दोनों हाथों में, लाइक एन ओल्ड स्टोन सावेज आर्म्ड, ऐसा लगता है उसको देखकर, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेज हो सकता है, इसको ध्यान रखना, तो लाइक एन ऐसा लगता है उसको देखकर मुझे कि जैसे कोई ओल्ड स्टोन सावेज, ओल्ड से बूढ़े से मतलब नहीं है, बल्कि एक वो कह रहे हैं कि पुराने जमाने का जैसे कोई योद्धा हो ना, ओके, एंड वो लाते नहीं थे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते थे और वो उसमें रखते थे फिर दूसरे के ऊपर फेंकते थे गोले, तो ऐसे लगता है देखकर कि पुराने जमाने का कोई योद्धा है वो फाइट करने जा रहा है। सावेज से मतलब है यहाँ पर सावेज आर्म यानी कि वेपन से फुल भरी हुई जो आर्म्स है, ओके, जिसके अंदर दिख रहा है क्यूरिटी दिख रही है कि वो मेरा नहीं है, ठीक है, और जो है मैं मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसको बिल्कुल हटा देना है, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है उनको। एंड फिर लास्ट लाइन से ये बोलते हैं कि ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, और जैसे कि वो क्या कर रहे हो कि जब मेरी तरफ देखे ही सीम्स टू मी, है ना, एज इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है उसको देखकर, ही मूव्स इन डार्कनेस, जैसे कि वो डार्कनेस में जा रहा हो। डार्कनेस कहने का मतलब यहाँ पर वैसे तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर लाइन से देखें, वो बोल रहे हैं कि नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्री, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वुड्स और जो उसकी वुड्स यानी कि जंगल है, जंगल के अंदर एक अंधेरे उसमें हम चलते चले जा रहे हैं, डार्क हो रहा है, ठीक है, और ट्री की शेड है कि हम उसमें चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं, वो कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इग्नोरेंस जो है, ठीक है, डार्कनेस मतलब है उस डार्कनेस में जा रहे हैं जहां पर इग्नोरेंस है, अज्ञानता है किस चीज को लेकर, ये समझ ही नहीं है कि ये पता नहीं, इसका लॉजिक नहीं पता है, बस हम इसको फॉलो कर रहे हैं किस चीज को, कि गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, क्यों, ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग, तो अपने फादर की सेइंग, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं बहुत सारी बातें कह जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई बड़ों ने ऐसा कहा है, बड़ों ने वैसा कहा है, तो हम इतने मॉडर्न एरिया में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वो मतलब हम नहीं, उनका हमारा जो नेबर है, ये नेबर क्या कर रहा है, ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर से, तो वो अपने जो फादर है, ठीक है, उनसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, एंड ही लाइक्स हैविंग द थॉट ऑफ इट सो वेल, और उनकी जो थॉट है उसको वो कैरी किए हुए है, एंड अगेन जब मैं उसको ये बात कहता हूँ तो फिर से वो यही कहता है कि ही सेज अगेन, वो दोबारा से कहता है गुड फैंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी कि अच्छे दीवारें जो होती हैं अच्छे रिलेशंस क्रिएट करती हैं, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होता है, अच्छे संबंध होते हैं, अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, जो अच्छी दीवारें हैं वो एक अच्छे पड़ोसी को बनाती हैं, ठीक है, आपस में संबंध अच्छे रहते हैं, दैट्स इट, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, और ये एक थोड़े से पुराने विचार हैं जिसको हमने बस उसको लेकर चल रहे हैं, एंड सोचा ही नहीं है कि इससे कितना नुकसान होता है, शायद अपना भी और दूसरों का भी, एंड यहाँ पर डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट हिज फादर्स वर्ड, वो चाहता ही नहीं इन चीजों को भूलना कि वो भूले अपने फादर के कहे इन शब्दों को, ओके, कितना प्रेम भाव है, या पड़ोसी जो है वो किस तरह से रहना चाह रहा है, रह रहा है, उन चीजों को बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है, ओके, एंड हम इन वॉल्स को, और ये सिर्फ वॉल ऐसा नहीं है, उस खेत की वॉल की बात की जा रही है, ये वॉल हो सकती है जैसे इंडिया पाकिस्तान कभी एक था, ठीक है, अभी जो पंजाब का एरिया है, ठीक है, वो एक ही है, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा पंजाबी अब लोग जो है उनको कितना पसंद करते हैं, आप भी होंगे इनमें से कुछ ना कुछ पंजाबी लोग होंगे, हम कितने गाने सुनते हैं, कितनी मूवी देखते हैं, और खासकर जब वो कुछ बात बोलते हैं, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा जो इम्प्रेशन पड़ता है वो पंजाबी लोगों का पड़ता है, सिख जब बोलते हैं ना तो एक अलग ही तरह का हमारे अंदर भी एंथुजियाज्म आता है। अब आप सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि जो लोग डिमांड उठा रहे हैं, बाई चांस वो अलग हो जाएंगे तो शायद हमें भी कितना बुरा लगेगा, मतलब बहुत गंदा फील होगा, नहीं चाहेंगे, बट कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो वॉल्स जो है वो क्रिएट हो जाएं, ठीक है, यानी कि बाउंड्री, ऐसा नहीं कि पत्थर की बाउंड्री बनाएंगे, एक बाउंड्री तो तय हो जाएगी ना,
वो चाहते हो, ऐसे ही जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ होगा तब भी ऐसे ही हुआ होगा, सभी लोग तो नहीं चाहते होंगे, है ना, लेकिन कुछ लोगों को अपना मेरा तेरा मेरा ये सब करने की होती है, चाहे वो उसमें खुश हो या ना हो, वो चीज रहती है। तो ये चीज क्या होती है, पहले एक बार सोच विचार ये चीज होनी चाहिए। और बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जबकि जो नेचर है, नेचर ने हमें ऐसे बना के भेजा है, और नेचर कभी नहीं चाहती, जो प्रकृति है, जो गॉड है, कि हमारे बीच बाउंड्रीज क्रिएट हो, क्योंकि वो हमेशा क्या करती है, हमारी जो खड़ी हुई बाउंड्रीज हैं, जो भी हम अलग अलग करते हैं ना, ये सब चीजें एक ना एक टाइम वो उसको फॉल कर देती है, हमेशा उसको गिरा देती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम पाकिस्तान से या इन सबसे मतलब भी नहीं रखना चाहते हैं, या पाकिस्तान हमसे नहीं रखना चाहता है, बट कभी कभी आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं, कभी कभी ट्रेजेडीज हो जाती हैं, तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम खाना पहुंचाते हैं, ऐसा करते हैं ना, तो ये बाउंड्रीज ब्रेक होती है। किसकी वजह से? नेचर की वजह से ब्रेक होती है, क्योंकि नेचर चाहती ही नहीं है कि किसी के बीच बाउंड्री हो, सभी लोग एक हैं, वो ये एक मैसेज देना चाहती है, अगर हम समझ पाए तो। दैट्स इट, इस पोयम में ये मैसेज देने की कोशिश की है। आगे मैंने समरी आपके लिए लिखी हुई है, इन शॉर्ट समरी आप पढ़ सकते हैं। अ स्टोन वॉल सेपरेट द स्पीकर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज नेबर, ओके, इन स्प्रिंग द टू मीट टू वॉक द वॉल एंड जॉइंटली मेक रिपेयर, रिपेयर करते हैं, एंड द स्पीकर सीज नो रीजन, उसको कोई रीजन नजर नहीं आता कि वॉल को क्रिएट किया जाए, देयर आर नो काउज, वहां पर कोई काउ नहीं है, बट वहां पर एप्पल है उनके पास में और पाइन ट्रीज है। ही डजंट बिलीव इन वॉल्स, वो वॉल नहीं उनको चाहिए, ठीक है, द नेबर रिजॉर्ट ऑफ एन ओल्ड एडेज, वो हमेशा एक ही बात बोलता है, ठीक है, नेबर है वो, इस बात पे अटका हुआ है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, द स्पीकर रिमेन्स अनकन्विंस्ड, वो अनकन्विंस्ड है, कन्विंस्ड होते ही नहीं है, और यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी ओल्ड फैशन जो फॉली है उसके लिए रीजन सर्च करने की कोशिश करते हैं। हिज नेबर विल नॉट बी स्वेड, द स्पीकर इनविजन्स, देखिए, इनविजन्स हिज नेबर्स एज अ होल्ड ओवर जस्टिफेबल आउटमोडेड एरा, ओके, आउटमोडेड एरा यानी कि आउटडेटेड जो एक ये चला आ रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो उससे मूव ही नहीं होना चाहता है, ये डार्क एज मेंटेलिटी को वो अभी तक लेके कैरी ऑन करे हुए है, बट द नेबर सिंपली रिपीट्स द एडेज, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि उसको सिंपली एडेज उसको लेकर चल रहे हैं अभी भी। लिटरेरी डिवाइस आई इसमें, एक तो सिंबोलिज्म आया, सिंबोलिज्म कहां पर देखा आपने, सिंबल की तरह, प्रतीक की तरह दिखाया गया, तो फेंसिस को सिंबलाइज किया गया है गैप से, ठीक है, जो चार दीवारी थी, ठीक है, उनको क्या बोला गया, मतलब जो दीवारी है, दीवारें हैं, फेंसेस हैं, उनको गैप से, दैट वन शुड होल्ड टू एस्टेब्लिश लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप एंड टू होल्ड प्राइवेसी। तो इन फेंसेस को, इन गैप्स को कैसे दिखाया गया, मतलब इसमें बताया गया है कि ये क्या करती हैं, जो फेंसेस हैं स्पेशली, तो ये क्या करती हैं, लॉन्ग लास्टिंग आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करती हैं, टू होल्ड प्राइवेसी, अपनी अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सके सब लोग। अब ये आपको डिसाइड करना है कि किसको प्राइवेट रखना है, किसको ओपन रखना है, तो वो उसको फैंसेस जो है ये इसको सपोर्ट करती हैं, सिंबलाइज करती हैं। नेचर किस चीज का सिंबल है, नेचर दिखा रहा है उसके अपोजिट, सिंबलाइज द रीयूनियन ऑफ द टू एज द स्पीकर मीट्स हिज नेबर्स ईच ईयर इन स्प्रिंग टू फिक्स द फैंसेस। तो नेचर क्या करती है, यहाँ पर जो ये बाउंड्रीज हम क्रिएट करते हैं, जो प्राइवेसी क्रिएट करते हैं, वो नेचर उसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि सभी जो दोनों हैं नेबर और वो मिलकर रहे, उसमें बीच में कोई बाउंड्री ना हो, जिसको वो स्प्रिंग टाइम में फिक्स करने के लिए आते हैं। मेटाफर मैंने आपको बताया था, एंड सम आर लॉफ्स एंड अ फ्यू सो नियरली बॉल्स। बॉल्स और लॉफ्स यहाँ पर क्या है, स्टोन्स हैं, ठीक है, ब्लॉक्स हैं, जो कि यहाँ पर यूज किया गया है एज अ मेटाफर। लॉफ्स होते हैं फ्लैट एंड बॉल्स, जिनको कि स्टेबल करना, बैलेंस करना मुश्किल है। नेक्स्ट है यहाँ पर एंजॉयमेंट का यूज किया गया है, एंड ही लाइक्स हैविंग नोशंस ऑफ इट्स नाइसली, ही सेज अगेन गुड फैंसीज मेक डिजायरेबल नेबर। लास्ट वाले में भी है और भी बहुत सारे हैं। तो एंजॉयमेंट होता है जब किसी भी लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया जाता है विदाउट यूजिंग ऑफ पंक्चुएशन मार्क वगैरह ये सब चीजें, एंड फिर उसको नेक्स्ट में रन किया कर दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। इमेजरी दिखाई गई है आपके सामने बार बार क्रिएट हुई, यानी कि आपकी सेंसेस को, फाइव सेंसेस को टच किया गया उसमें, स्पेशली जब मैंने आपसे कहा कि एंड अ फ्यू आर लॉफ्स एंड सम आर नियरली बॉल्स। अगेन मैंने जब आपसे उनसे बताया कि लॉफ्स, तो आपके मन में आ गया, मैंने कहा कि लॉफ्स फ्लैट होते हैं टुकड़े, जैसे ब्रेड का टुकड़ा है वो फ्लैट होता है, तो आपके माइंड में ये आया, आपने एक बार इमेजिन कर लिया, आपने बॉल्स, जैसे मैंने बॉल्स बोला तो आपके मन में ये भी एक इमेज बन गई, तो दैट इज कॉल्ड इमेजरी। ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। तो पाइन, आपको मैंने पाइन ट्री के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि किस तरह से है, एप्पल ऑर्चर्ड, तो ये आपके यहाँ भी आपको मतलब कि आप इस चीज से अवेयर हैं, एप्पल है, पाइन ट्री है। नोट ऑफ वुड्स ओनली एंड अ कलरेशन ऑफ टिम्बर्स, तो यहाँ पर ये लाइन तो नहीं दिखी हमने शायद, नोट ऑफ वुड्स ओनली एंड अ
कॉलिशन ऑफ टिम्बर, ये शायद नहीं देखी हमने लाइन, या फिर देखी होगी, देखी भी होगी तो कोई बात नहीं है। फिर भी हमने बताया कि जो टिम्बर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो स्पेशली जो लकड़ी वगैरह उन्होंने बताई कि हाँ, मतलब इसमें तो मैंने नहीं पढ़ाया है इसलिए मुझे ध्यान है कि नहीं पढ़ाया है, बट बाई चांस यहाँ पर हो तो ध्यान रखना कि जहां जहां ये बताया गया कि जहां पर आपके सामने इमेज क्रिएट हुई, जैसे मैंने बताया कि दीवार के दोनों साइड रन कर रहे थे, ठीक है, तो उसको रिपेयर कर रहे थे, तो वहां भी एक इमेज क्रिएट होती है, तो ऐसे इमेजेस यूज की गई है, आपको एक दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। ब्लैंक वर्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये मेंडिंग वॉल है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, यानी कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, तो यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं है स्पेशली, और यहाँ पर मीट्रिकल फुट यूज किया गया है, कौन सा, आयमिक पैंटामीटर, ठीक है, आयमिक पैंटामीटर को यूज किया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे और पोएम है इनकी, फायर एंड आइस है, ठीक है, कई सारी डोंट नोट टू टेकन है, एंड और कौन सी है इनकी पोएम, बर्चेस है, ठीक है, एक दो और हैं पोएम तो उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो आज इसको मैं यहीं छोड़ूंगी, एंड फिर मैं कल पढ़ाती हूँ आप लोगों को आगे की पोएट्री। होप सो की क्लास आपको समझ में आई होगी, चीजें ज्यादा बेटर तरीके से, मतलब मैं फेल नहीं हुई होंगी आपको समझाने में अबाउट मेंडिंग वॉल, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं इस क्लास को ऑफ करती हूँ, तो फिर हम दूसरी क्लास लेंगे, ठीक है, फिर हम दूसरी क्लास लेंगे 8 बजे, कुछ पूछना है तो पूछो भाई। ओके, समझ आया, कोई इशू तो नहीं जी मैम, अब तो नहीं भूलोगे, अब हमेशा ध्यान रहेगा, तो अपनी जब फेंसेस बनाओ ना, दीवारें बनानी वैसे जरूरी तो है, ठीक है, लेकिन उससे पहले सोच लेना, थोड़ा सा विचार कर लेना कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है, और किसके साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हो, किसके साथ अपनी जो अर्निंग है वो शेयर करना चाहते हो, या सिर्फ अपना अपना ही चल रहा है, बहुत ज्यादा आप लोग क्या हो गए हो, सेल्फिश हो गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अगर जितने ज्यादा आप सेल्फिश होंगे उतना ही ज्यादा आप खुद भी हर्ट होंगे। मैम इसकी थीम बता दीजिए एक बार, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ओके सी यू सून, अभी बताते हैं, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, अंडरस्टूड मैम, ओके ठीक है, चलिए भाई इसकी थीम यही है कि इसमें दो थीम बताई गई हैं, एक तो थीम ये है स्पेशली कि जो ह्यूमन होते हैं वो हमेशा अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमेशा क्या करते हैं, तेरा मेरा ये सब चलता है उनके अंदर, तो ह्यूमन हमेशा बाउंड्रीज को फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं कि इससे हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। दूसरी थीम इसके अंदर इसके अपोजिट कॉन्ट्रास्ट करती हुई है कि बट जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो गॉड है, वो इन बाउंड्रीज को ब्रेक करना चाहते हैं, यानी कि नेचर चाहती है कि हम लोग विदाउट बाउंड्रीज मिलजुल कर रहें, हर चीज को, जो भी अर्निंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो शेयर करें, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसके लिए हमें जेलेसी वगैरह सब खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। और एक दूसरा मैसेज, ये ह्यूमन जो वर्क करते थे हमेशा, ह्यूमन का वर्क क्यों चल रहा है, इतना वर्क कि अपना घर होगा, अपना ये होगा, अपना देश होगा, तो ह्यूमन वर्क चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो ये दो मेनली थीम इसके अंदर आपके अंदर यहाँ पर रखी गई है। ओके कंचन कि आप 7 बजे आती हैं लेकिन आज जल्दी आई हैं, थैंक यू सो मच कि आप लाइव ही लेना चाहती हैं, क्योंकि लाइव में टाइम का पता ही नहीं चलता है, ठीक है, ओके मैम अंडरस्टूड, ठीक है, ओके चलिए तो फिर इस क्लास को ऑफ कर देते हैं, एंड फिर हम दूसरी क्लास लेंगे 8 बजे के करीब, तब मिलना, 7 बजे सर की क्लास है, वहां पर प्रीपोजिशन को पढ़िए, और जो भी आपके कंटेंट सेक्शन में एड किया हुआ है वो आप अच्छे से पढ़ते चलिए, प्रीपोजिशन आज पढ़ लेना, मतलब सब लोग पढ़ाएंगे वहां पर, एंड आप लोग पढ़ लेना उसमें जो वीडियो डाली हुई है, और बाकी जो आपके और राइटर्स हैं, जो जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे उनको मैं रिमूव कर दूंगी, बट बाकी राइटर्स को मैं ऐड कर दूंगी, वैसे तो मैंने गुस्से में सारे ही मैं हटा दिए वहां से, मैंने कहा ठीक है तुम लोगों को ना मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं तो समझ ही नहीं आता है। ओके 3 महीने के मैंने आपसे वादा किया है, 3 मंथ्स तक मैं लगातार आपको पढ़ा रही हूँ, सर भी पढ़ा रहे हैं, अगर आपको सिर्फ लाइव सेशन ही देखने हैं, आपको मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ लाइव सेशंस को ही फॉलो करते जाएं, डेट वाइज लिखे हुए हैं सारे के सारे, डबल डबल क्लासेस भी आपकी मैंने लगा दी हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चलना है, स्ट्रेटेजी के साथ में चलना है, कि मैम ने कुछ स्पेशली आपके लिए सोचा हुआ है, तो फिर आप कंटेंट सेक्शन को फॉलो करें, जो कंटेंट सेक्शन मैं आपके लिए क्रिएट करती हूँ उस चीज को आप फॉलो करें, ठीक है।
मैंने इसलिए ऐड कर दी थी, मैंने कहा चलो ठीक है, प्रैक्टिस सेशन मतलब अलग तरह से मैंने स्टार्ट कराए हैं, प्रैक्टिस नहीं है उसके अंदर, सब चीजें होंगी तो वो मैं स्टार्ट कराए हैं लाइव, तो मैंने कहा चलो ठीक है बच्चों के पास ये भी। और हाँ श्वेता मैम की देखो कितनी अच्छी है, जो श्वेता मैम है उन्होंने जो वॉकअप कराई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी आप लोगों को, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो 22 सेशंस जो है जिसमें से शायद 15 सेशंस तो मैम के ही है वो मैंने डाले हुए हैं वहां पर, तो 15 सेशन लगाए हुए हैं आप लोगों के, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेता मैम ने जो वॉकअप पढ़ाई है ना उसको पढ़ के देखना, तो वो कितने अच्छे से उन्होंने कवर कराई हुई है, तो उसको पढ़िए वहां से, एंड जो ग्रामर उन्होंने पढ़ाई है, नाउन उन्होंने पढ़ाया है, उसको पढ़ के देखिए कितने अच्छे से उन्होंने पढ़ाया, तो वो क्लास आपके लिए क्यों नहीं हो, आपको भी वो पढ़नी है सारी क्लासेस, और बाकी जो है लाइव चलेगा, लाइव पढ़िए, तो वो सब इम्पोर्टेंट है, उस सबको पढ़ना है आप लोगों को डेफिनेटली। चलिए हाँ स्टेट स्टडी के साथ भी चैलेंज, यस मैम कंटेंट सेशन आल्सो वेरी बेनिफिशियल, हाँ वो कंटेंट सेशन मैं मेंटेन करती हूँ उसको, मैं एक स्ट्रेटेजी देती हूँ कि इस तरह से पढ़ना है, अगर वो नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप बहकते रहेंगे यहाँ वहां, आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है, ठीक है। द टाइम आई वॉच कंटेंट सेक्शन अकॉर्डिंगली, ओके कंचन ठीक है, चलिए फिर गुड बाय एंड टेक केयर, अब हम मिलते हैं 8 बजे, और 7 बजे आप यूट्यूब पर पहुंच जाना, यूट्यूब पर क्लास लेना, ठीक है बाय।